हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टेक। फ्रेंड, हम आज की वीडियो में जानेंगे महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के द्वारा आप सभी छात्रों का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया। जो भी बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर व सिक्स सेमेस्टर व साथ में एमए एमएससी एमकॉम एलएलबी बीबीए बीएससी एलटी एमएससी एजी और बीएड के जो भी स्टूडेंट हैं, आप सभी छात्र सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर व सिक्स सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं, आप सभी छात्रों का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे अपने मोबाइल फोन से फिलअप करना है, आप सभी छात्रों जो कि फाइनल प्रिंट तक हम शो करेंगे और फ्रेंड एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम आप सभी छात्रों को सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है और साथ में फ्रेंड आप सभी छात्रों का अपार आईडी या एबीसी आईडी को कैसे फिलअप करना है और फ्रेंड जो भी सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, तो फ्रेंड आपको फाइनल प्रिंट तक हम शो करेंगे कि अपने मोबाइल फोन से आप सभी छात्र एग्जामिनेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना और प्रिंट करके पीडीएफ आपको कॉलेज में कब सबमिट करना है। तो फ्रेंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियो आप सभी छात्रों को सबसे पहले मेरे चैनल से मिलती रहेगी। तो फ्रेंड आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप सभी छात्र वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। आप सभी छात्रों को गूगल पे जाना, जहां सर्च करना है आजमगढ़ यूनिवर्सिटी जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो फ्रेंड आप जैसे ही आजमगढ़ यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे, स्लाइड करते हुए आपको नीचे जाना। तो फ्रेंड आप जैसे स्लाइड करते हुए नीचे जाएंगे तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है msdu.ac.in। तो फ्रेंड आप सभी छात्रों को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड हम जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसमें फ्रेंड एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको ऑप्शन शो होगा। तो फ्रेंड जो भी हम वीडियो बना रहे हैं रोटेट मोड में, फ्रेंड यहाँ पे आप सभी छात्रों फोन मोड कर ले। जैसे आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर दिया गया एग्जामिनेशन फॉर्म। तो फ्रेंड जो भी आप सभी छात्रों के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए जो भी महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड हम जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर में थ्री डॉट करके शो हो रहा है। तो फ्रेंड आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको फ्रेंड आप देख सकते हैं कॉर्नर में थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं नीचे दिया गया फिल न्यू फॉर्म सेशन 2023-24। तो फ्रेंड आप सभी चाहे जो भी बीए बीएससी बीकॉम हो, एमए एमएससी एमकॉम व बीएड एलएलबी बीबीए बीसीए एजी, जो भी सभी क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं, आप सभी चाहते हो फिल न्यू फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड हम जैसे फिल न्यू फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन दिया गया यूजी पीजी एनईपी इवेंट सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म। जो भी बीए बीएससी बीकॉम वो एमए एमएससी एमकॉम के स्टूडेंट है, आप सभी छात्रों को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड हम जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड आप देख सकते हैं सबसे पहले एग्जाम टाइप में आपको सेलेक्ट कर लेना कि फ्रेंड आप यूजी का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं कि पीजी का। तो फ्रेंड हम सभी छात्रों के एग्जाम टाइप में अगर आप बीए बीएससी बीकॉम का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेंड आपको सेलेक्ट करना यूजी एनईपी इवेंट सेमेस्टर रेगुलर। अगर फ्रेंड आप एम एम एस सी एमकॉम का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेंड आपको पीजी एनईपी इवेंट सेमेस्टर सेलेक्ट करना होगा। फ्रेंड हम जो कि एक बार पीजी का शो करते हैं, फिर आपको यूजी का फॉर्म फिलअप करके शो करते हैं। तो फ्रेंड हम यहाँ पे पीजी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड दिया कोर्स नेम में आपको सेलेक्ट कर लेना कि आप एमकॉम का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं कि एम एस सी का या एम ए का। तो फ्रेंड अब आपको जो भी कोर्स है, जैसे फ्रेंड आप देख सकते हैं एम ए अरबिक फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर, एम ए अरबिक सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर करके दिया गया। तो फ्रेंड आपका जो भी क्लास है उसको आप सेलेक्ट करके उसके बाद ही एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं एमए हिंदी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर। और फ्रेंड आपका जो भी रोल नंबर है, रोल नंबर को आप एक पेस्ट जो भी कॉपी करके या तो पेस्ट कर सकते हैं या तो जो भी रोल नंबर को यहाँ पे फिलअप करके फादर या मदर नेम एडमिशन ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना 23 या तो सेशन 2022 जो भी आपका हो। उसके बाद कैप्चर कोड को फिलअप करके सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड हम यूजी का फॉर्म फिलअप करके आपको शो करेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं तो सबसे पहले आपको यूजी एनईपी इवेंट सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेना है रेगुलर। तो फ्रेंड आप जैसे इसको सेलेक्ट कर लें, उसके बाद दिया कोर्स नेम में आपको किस क्लास का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, बीए बीएससी बीकॉम और बीबीए बीसीए के जो भी स्टूडेंट। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है बीबीए एनईपी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर, बीबीए एनईपी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, बैचलर ऑफ आर्ट करके अगर आप बीए का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो फ्रेंड आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ आर्ट करके दिया है, फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड ऐसे ही आपको जो भी आपका कोर्स है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड दिया बैचलर ऑफ कॉमर्स फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर करके दिया, जो भी आपका कोर्स होगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ साइंस सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर व सिक्स सेमेस्टर का भी लिंक नहीं जनरेट किया, नहीं तो फ्रेंड यहीं पे शो होता बैचलर ऑफ कॉमर्स ईयर थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर करके शो होता। तो फ्रेंड आपका जो भी कोर्स है उसको आपको सेलेक्ट करके आपको रोल नंबर फिर फादर नेम को फिलअप करके एडमिशन ईयर सेलेक्ट करके कैप्चर कोड को फिलअप करके आपको सबमिट करना होगा।
फ्रेंड आप जैसे ही सेलेक्ट कर लेंगे कोर्स नेम और यूजी या पीजी जिस भी क्लास का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, उसके बाद फ्रेंड आपका जो भी रोल नंबर को आपको फिलअप करना है, उसके बाद फादर या मदर नेम को फिलअप करके एडमिशन ईयर को आपको सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड हम रोल नंबर को कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, उसके बाद फ्रेंड आपको फादर या मदर नेम को फिलअप करना है। सेलेक्ट जो भी एडमिशन ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना 2023, और फादर या मदर नेम को फिलअप करके और कैप्चर कोड को फिलअप करके फिर हम सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको शो करते हैं। फ्रेंड हम रोल नंबर फादर नेम एडमिशन ईयर व कैप्चर कोड को फिलअप कर चुके हैं। फ्रेंड आपको फिर सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड हम जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें फ्रेंड स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट इनरोलमेंट नंबर, फादर नेम, मदर नेम वगैरह सब कुछ शो हो जाएगा, और क्लास वगैरह भी आपका शो हो जाएगा कि आप किस क्लास के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर करके दिया गया, फोर्थ सेमेस्टर, जी भी सिक्स सेमेस्टर, जिस भी क्लास का फॉर्म फिलअप वहां पे शो हो जाएगा। और फ्रेंड यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस वगैरह दिया, इस पर आपको क्लिक करना। और फ्रेंड लिखा है कि मैंने उल्लेखित निर्देशों को ध्यान से पढ़े व समझ लिया, मैं इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्हता हूँ। तो फ्रेंड आपको इस पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड हम जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए सेकेंड पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें फ्रेंड पर्सनल डिटेल, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, फादर नेम, स्टूडेंट नेम, मदर नेम वगैरह सब कुछ शो हो जाएगा। फ्रेंड आपको स्लाइड करते हुए नीचे जाना है। तो फ्रेंड अगर आप डेट ऑफ बर्थ किसी कारणवश यहाँ पे गलत शो हो रहा है, तो फ्रेंड आप करेक्शन कर सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेना, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जिससे आप बिलोंग करते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड हम ओबीसी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड दिया सब कैटेगरी, तो फ्रेंड जिसमें जो भी गर्ल वगैरह फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसको गर्ल सेलेक्ट करना उनको, और फ्रेंड जो भी स्टूडेंट वगैरह जो भी बॉय है उनको फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो फ्रेंड आपको नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे रिलीजियन दिया गया, तो फ्रेंड अगर आप हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, सिख है तो सिख, जो भी आपका होगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना। तो फ्रेंड हम यहाँ पे हिंदू सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं जो भी आधार कार्ड पे आपका एड्रेस है उसको फिलअप करना है, तो फ्रेंड आधार करेंट एड्रेस और जो भी यहाँ पे परमानेंट एड्रेस वगैरह है उसको आपको फिलअप करना है। तो फ्रेंड हम एड्रेस फिलअप करके फिर आपको शो करते हैं। फ्रेंड हम एड्रेस को फिलअप कर चुके हैं, जैसे फ्रेंड आप देख सकते हैं जो भी आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है उसको फिलअप करना है। तो फ्रेंड हम विलेज नेम और पोस्ट ऑफिस वगैरह सब कुछ लिख चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड दिया उत्तर प्रदेश सेलेक्ट, ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद फ्रेंड आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, अगर आप आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं तो आजमगढ़, मऊ से, गाजीपुर, जिस भी जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना। तो फ्रेंड आप यहाँ पे आजमगढ़ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड आपको दिया गया कॉपी फ्रॉम करेंट एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो फ्रेंड जैसे ही इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम आजमगढ़ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और साथ में फ्रेंड जो भी अपार आईडी कार्ड बना उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो फ्रेंड बिना अपार आईडी कार्ड के आपका एडमिशन एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो फ्रेंड हम शो कर देते हैं अपार आईडी कार्ड, अपार आईडी कार्ड जो भी किस टाइप का है, आप सभी चाहते हो कैसे बनाना, जिसके लिए वीडियो ऑलरेडी 5 से 7 दिन पहले वीडियो बनाए कि आप सभी चाहते डीजी लाकर अपने फोन से अपार आईडी कार्ड को कैसे बना सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड बिना अपार आईडी कार्ड के एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं। और फ्रेंड जो अपार आईडी कार्ड होगा जिसमें फ्रेंड आपका होगा और डेट ऑफ बर्थ दिया, जेंडर दिया, अपार आईडी करके जो भी यहाँ पे हम हाइड किए हैं, क्योंकि फ्रेंड पर्सनल डिटेल हाइड करनी पड़ती है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं अपार आईडी कार्ड नंबर आपको वहीं एग्जामिनेशन फॉर्म में फिलअप करना होगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो वगैरह जो भी आधार कार्ड पर आपका फोटो होगा वही फोटो इस पर भी शो हो रहा होगा। तो फ्रेंड एग्जामिनेशन फॉर्म वाले में भी अपार आईडी कार्ड को हम फिलअप करके फिर शो करते हैं। फ्रेंड हम अपार आईडी कार्ड को कॉपी किए हैं यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो फ्रेंड अपार आईडी कार्ड को हम पेस्ट कर दें, उसके बाद फ्रेंड आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद फ्रेंड दिया अगर आप पेपर इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश, हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी, तो फ्रेंड हम हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर हम फिलअप करके फिर आप सभी छात्रों को शो करते हैं। फ्रेंड हम मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर और अपार आईडी कार्ड वगैरह नंबर सब कुछ फिलअप कर चुके हैं। फिलअप करने के बाद फ्रेंड आपको स्लाइड करते हुए नीचे जाना है। तो फ्रेंड हम जैसे ही स्लाइड करते हुए नीचे जाएंगे, जिसमें फ्रेंड आप देख सकते हैं कोर्स नेम वगैरह सब कुछ शो हो जाएगा, कॉलेज नेम वगैरह शो हो जाए, राजदेव कृषक महाविद्यालय काशीपुर छठियाँ करके जो भी स्टूडेंट है उसका है, जिसमें फ्रेंड आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट उनका हम फॉर्म फिलअप करके शो कर रहे हैं। और फ्रेंड आप सभी चाहते हो सब्जेक्ट
सिलेक्शन ध्यान पूर्वक करना है, क्योंकि फिर अगर आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करते टाइम कुछ मिसप्रिंट जो भी अदर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपको करेक्शन करने के लिए आपको कॉलेज के द्वारा ही करेक्शन हो पाएगा, क्योंकि फिर आपको जो भी एक्सेस नहीं है कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म को रे एडिट कर सकते हैं। तो फिर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए देख सकते हैं कॉमर्स मेजर करके इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद जो भी सेकेंड नंबर भी दिया गया मेजर करके कॉमर्स इसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, बिजनेस मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करके दिया गया, और थर्ड नंबर पे आपको फिर मेजर सेलेक्ट करना है। इसमें फ्रेंड आप सभी छात्रों को सेलेक्ट करना है बिजनेस इकोनॉमिक्स, और फ्रेंड जो भी फोर्थ नंबर पे दिया जिसमें फ्रेंड आपको शो कर लेना सेलेक्ट कर लेना है स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल करके दिया है। तो फ्रेंड इसमें आपको सेलेक्ट करने के बाद पेपर आपका जो भी सेलेक्ट है जिसमें फ्रेंड मैक्सिमम कॉलेज के जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी छात्रों को योगा सेलेक्ट किया जाता है, नहीं तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो फ्रेंड हम योगा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट में आपको करिकुलर में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिक सब्जेक्ट सेलेक्शन हो जाएगा जिसमें फ्रेंड आप देख सकते हैं कॉमर्स मेजर में जो भी सब्जेक्ट आपका 2 से 3 सब्जेक्ट मेजर हैं तो उसको सेलेक्ट करना है। अगर फ्रेंड आपका सब्जेक्ट सेलेक्शन करने के लिए यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट सेलेक्शन मिस जो भी बहुत कोर्स के आपके सब्जेक्ट सेलेक्शन सही नहीं हो पा जिसके लिए आपको यूनिवर्सिटी से ईडर रहता है, उसके लिए आपको कुछ टाइम वेट करना, उसके बाद ही आप जो भी आपका सब्जेक्ट सिलेबस में है उसी को सेलेक्ट करना, क्योंकि फ्रेंड कभी कभी एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्टिंग में जब फिलअप होता है उस टाइम कुछ ज़्यादा ही सब्जेक्ट्स होते हैं, 1 से 2 सब्जेक्ट ज़्यादा से होते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपको रुक के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं अगर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है अगर आप रिजल्ट आ गया है तो फ्रेंड मैक्सिमम मार्क में आपको बस इस वोकेशनल सब्जेक्ट का जो भी करिकुलर सब्जेक्ट के पेपर के मार्क को छोड़ के और जो भी बाकी सभी मार्क्स को आपको ऐड कर लेना, उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट हो रहे हैं 500-700 तो फ्रेंड मैक्सिमम मार्क उसको लिखना, उसके बाद जो भी मार्क अपडेंट में जितने मार्क पाए हैं उसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद फ्रेंड आपको देख सकते हैं यहाँ पे दिया अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो दोनों में एक एक रहेगा, और फिर यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर ऑटोमेटिक पहले से ही अपलोड रहेगा जिसमें फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह दिया गया है। तो फॉर्म जमा करने से पहले कृपया अपना फॉर्म जांच लिया, सेव फॉर्म करने के बाद संपादन की अनुमति नहीं है, अगर आप फॉर्म सेव कर देते हैं उसके बाद आपको रे एडिट फॉर्म करने के लिए ऑप्शन नहीं है, तो फिर SI एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और फिर जो भी कैप्चर कोड है उसको फिलअप करके आपको सेव फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। फिर हम कैप्चर कोड को फिलअप करके फिर आपको हम शो करते हैं। फ्रेंड आप कैप्चर कोड को फिलअप कर चुके हैं, फ्रेंड वैसे ही सेव फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म नंबर वगैरह फीस पेमेंट आपको करके फिर हम शो करते हैं, ऑटोमेटिक अपलोड रहेगा। उसके बाद फ्रेंड आपको फोटो और सिग्नेचर भी नहीं अपलोड करना, उसके बाद फ्रेंड आपको SI एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कैप्चर कोड को फिलअप करके सेव फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड SI एग्री वाले जैसे क्लिक करेंगे जो भी सेव फॉर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा कैप्चर कोड को फिलअप करके, और फ्रेंड आप कैप्चर कोड को फिलअप करके सेव फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन जिसमें फ्रेंड फॉर्म नंबर रोल नंबर वगैरह डिटेल आपका ओपन हो जाएगा पे क्लिक करें एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा जिसमें फ्रेंड दिया गया फीस कम ज़्यादा गलत दिखने पर पेमेंट ना करें, छात्र अपनी फीस कन्फर्म करके ही पेमेंट करें। तो फ्रेंड आप देख सकते हो रोल नंबर हो गया और यहाँ पे फॉर्म नंबर इनरोलमेंट नंबर वगैरह आपका ऑटोमेटिक सब कुछ शो हो जाएगा, उसके बाद आपका नेम वगैरह नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फीस पेमेंट जो भी BA BSc बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं आप सभी छात्रों को फीस पेमेंट जो कि 1,000 रुपये करना होगा, 800 रुपये 100 रुपये 100 रुपये फ्रेंड यहाँ पे टोटल चार्ज दिया गया, आपको फ्रेंड पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद एक आपका यहाँ पे दिया गया प्लीज टेक ए नोट फॉर्म नंबर को आपको कॉपी करके रख लेना है, फ्रेंड आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आपको इसको साइड रख लेना है, उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपका फीस पेमेंट करने के लिए आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें फ्रेंड आप देख सकते हैं 1,000 रुपये फीस पेमेंट करने के लिए ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसमें फ्रेंड आपको स्लाइड करते हुए नीचे जाना है जिसमें आपको काल जो कि स्टूडेंट नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको स्लाइड करते हुए नीचे जाने के बाद फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन दिया गया मेक पेमेंट, तो फ्रेंड आप यहाँ से यहाँ पर डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग पेमेंट पेटीएम वॉलेट UPI वगैरह किसी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड जो भी मैक्सिमम स्टूडेंट है UPI वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे फोन पे हो गया गूगल पे हो गया व्हाट्सएप पे हो गया और UPI सभी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको फोन पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, क्लिक करने का फ्रेंड यहाँ पे आपको दिया गया पे बाय QR कोड, तो फ्रेंड आपको नीचे जो कि यहाँ पे ऑप्शन दिया QR कोड से भी आप अपने जो कि फीस पेमेंट कर सकते हैं तो अपना इंटर UPI ID भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना क्योंकि फ्रेंड QR कोड से आपको फोन पे या गूगल पे किसी से आप कर सकते हैं।
तो फ्रेंड आप पे बाय क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड हम जैसे मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा, जिसमें फ्रेंड आपको क्यूआर कोड को अपने फोन पे मोबाइल से आपको स्कैन करना है। उसके बाद जो भी आपका चार अंक डिजिट का एक पिन होगा, उसको पिन को आपको इंटर करेंगे। आपका फीस पेमेंट जब तक रिप्लेस होकर फीस पेमेंट ना हो जाए उसके तब तक आपको वेट करना है, तभी आपका फीस पेमेंट होगा। तो फ्रेंड आप जैसे ही पेमेंट कर देंगे आपका फीस ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा। अगर आप जो भी एक ही फोन से एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो फ्रेंड आपको इस वाले प्रिंट का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको फोन पे पे जाना है, वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड जैसे ही आप फीस पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपको पेमेंट स्लिप डाउनलोड करने के बाद आपका पीएस जो कि 3 पेज में आपका डाउनलोड हो जाए उसको एक कॉलेज में जमा करना होगा। तो फ्रेंड हम फोन पे से आपको पेमेंट करके शो कर देते हैं कि आपको पेमेंट कैसे करना है। तो फ्रेंड आप सभी छात्र वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। फ्रेंड हम फोन पे को ओपन कर लिए हैं। फोन पे वाले ऑप्शन पे जाएंगे, अगर आपके पास एक ही फोन है उसको स्क्रीनशॉट लेके आपको सबसे ऊपर दिया क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड आप जैसे ही क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं साइड में गैलरी का। तो फ्रेंड आपको गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आपका जो कि यहाँ पे ऑप्शन जो भी स्क्रीनशॉट ले क्यूआर कोड का यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें फ्रेंड आपका देख सकते हैं यहाँ पे फीस पेमेंट करने के लिए 1000 रुपये महाराजा सुहेल यूनिवर्सिटी सब कुछ ओपन हो जाएगा। आपको प्रोसेड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको 4 अंक का डिजिट दो जो कि पिन होगा उसको आप पिन को फिलअप कर देंगे, आपका फीस पेमेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको इस वाले पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो भी 4 अंक का डिजिट होगा उसको फिलअप करके आपको आप अपना जो कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करके पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आप सभी छात्रों को यूजफुल लगे हो तो अपने फ्रेंड जोन में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियो आप सभी छात्रों को सबसे पहले मिलती है।